हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज 48। आंगनबाड़ी आशा, अतिथि शिक्षक, सभी प्रकार के संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण न्यूज़ हम आपको सबसे पहले देते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आप जानते हैं देश के सभी राज्यों में इस समय संविदा कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है वो सरकार से मांग कर रहे हैं। कुछ राज्यों के अंदर संविदा कर्मियों को नियमित करने का सरकार ने वादा भी किया था और संविदा कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था कि संविदा कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे संविदा कर्मियों को लेकर, मुख्य अपडेट्स आ रही है। मानदेय के लिए धरने पर बैठे बिजली विभाग के संविदा कर्मी, उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के संविदा कर्मी अपने मानदेय बढ़ोतरी को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों संविदा कर्मियों को एक तो 4 महीनों से लगातार मानदेय नहीं मिल पाया बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में, साथ में मानदेय बढ़ोतरी करने को लेकर भी संविदा कर्मी मांग कर रहे हैं। आज की अगर अगली अपडेट, संविदा कर्मियों की समस्याओं को लेकर हुई कैबिनेट बैठक, इन बिंदुओं पर बनी समिति, दोस्तों सहमति बनी है। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है संविदा कर्मियों को लेकर, संविदा कर्मियों को नियमित करने के प्रयासों के अपने वादों को लेकर बनाई कैबिनेट सब कमेटी के सामने अभी तक भी विभागों ने रिक्त पदों की पूरी जानकारी नहीं दी है। हालांकि विभागों की पूरी जानकारी के अनुसार संविदा कर्मियों की कुल संख्या सरकार के पास आ गई है, यह 1 लाख से ऊपर मानी जा रही है। नरेगा भर्ती 2013 में 10,029 पदों पर भर्ती को लेकर संविदा कर्मचारियों को लेकर मामला आया था, इसे लेकर वित्त विभाग ने दे रखी है मंजूरी। बैठक में मंत्री गोविंद डोटासरा ने भर्ती को लेकर रखा पक्ष, सभी विभागों से मिले संविदा कर्मियों के पूरे आंकड़े। दोस्तों, राजस्थान में सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी संविदा कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे। अब सरकार बने हुए दोस्तों 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक संविदा कर्मचारियों को नियमित सरकार नहीं कर पाई है। इसको लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसकी अब बैठक हुई थी और उस कमेटी के अंदर ये आंकड़े जुटाए गए हैं कि कौन से विभाग में कितने संविदा कर्मियों के पद खाली हैं और कौन से विभाग में कितने संविदा कर्मी हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब संविदा कर्मचारियों को लेकर जो है वो अगली बैठक होगी, उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन कितना मिले और उन्हें किस प्रकार नियमित किया जा सके। तो दोस्तों, जैसी कोई अपडेट आएगी राजस्थान की वो हम आपको देंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर भी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर लगातार कमेटी की बैठकें चल रही है, वहाँ पर भी कोई भी अपडेट होगी वो हम आपको सबसे पहले देंगे। तो देश के किसी भी राज्य में संविदा कर्मियों की न्यूज़ होती है वो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। संविदा कर्मियों का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल पर अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।